नमस्कार दोस्तों, एक्यूप्रेशर चिकित्सा में आज हम चर्चा करेंगे टोनसिल्स, जिसे आयुर्वेदिक भाषा में गल तुंडी का बोलते हैं, यानी कि टोनसिल्स गले में निगलने में तकलीफ होना, गले के अंदर लाल साइड इन्फेक्शन वाली गांठ सी हो जाना, उभर के आ जाना। हालांकि टोनसिल्स सभी के अंदर होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो इन्फेक्शन होता है उसे टोनसिलाइटिस बोलते हैं। और टोनसिलाइटिस में क्या होता है, गले में इन्फेक्शन होता है, बुखार आ जाता है और निगलने में तकलीफ होती है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा में केवल 3 बिंदुओं से इसको हमने 3 से 7 दिन में पूर्णतया ठीक होते देखा है। हालांकि एलोपैथी चिकित्सा में इसे एंटीबायोटिक या फिर कुछ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की मेडिसिन एडवाइस की जाती है, लेकिन यहाँ पर हम एलोपैथी की चर्चा नहीं करेंगे। हमारी पद्धति, परंपरागत पद्धति एक्यूप्रेशर चिकित्सा की बात करेंगे। इसमें मर्म चिकित्सा की बात करें तो क्षिप्र मर्म, जिसे LI 4 बिंदु यानी लार्ज इंटेस्टाइन के 4 नंबर बिंदु पर, जहां पर ये खाली जगह समाप्त होती है, यानी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में जहां खाली जगह समाप्त होती है, एक्यूप्रेशर में तो ये LI 4 बिंदु है और मर्म चिकित्सा में इसे क्षिप्र मर्म के नाम से जाना जाता है। यहां पर ऑयल लगा करके इस तरह से हल्का हल्का केवल 1 मिनट मालिश करेंगे। इसके अलावा रिफ्लेक्सोलॉजी में हम एड्रिनल ग्लैंड्स, ये हमारे इंडेक्स फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, इसके बीचों बीच आप एक लाइन बनाएंगे लगभग 1 अंगुल नीचे, इसको भी हम दबाएंगे छोड़ेंगे 10 से 15 बार सुबह शाम। प्रेशर इतना देना है कि सहन हो जाए, जबरदस्त ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। नंबर 2, इसके अलावा LU 7 यानी लंग्स का 7 नंबर बिंदु, जिसे रिस्ट से बाहर की साइड में 2 अंगुल यानी 1.5 कोण दूरी पर, जिसे एक्यूप्रेशर चिकित्सा की भाषा में हम कहें तो 1.5 कोण की दूरी पर, और 1.5 कोण बनते हैं 2 अंगुल, मैंने पूर्व के वीडियो में बताए हैं। 1 कोण का मतलब 1 अंगूठे की दूरी, 1.5 कोण का मतलब 2 अंगुल की दूरी, और 3 कोण का मतलब 4 अंगुल की दूरी। जहां पर 3 कोण लिखा हो वहां बेशक 4 अंगुल की दूरी पर माप कर सकते हैं, करेक्ट बैठेगा। तो अब 2 अंगुल की दूरी पर LU 7 बिंदु, रिस्ट से 2 अंगुल की दूरी पर LU 7 बिंदु बाहर की साइड में, इसको भी हम हल्का हल्का मालिश भी कर सकते हैं, स्टिमुलेट भी कर सकते हैं, इस तरह से ऑयल लगा के भी कर सकते हैं, विदाउट ऑयल भी कर सकते हैं। इन 3 बिंदुओं से हमने प्रैक्टिकल अनुभव में पाया कि 3 दिन में ज़्यादातर पेशेंट ठीक हो जाते हैं टोनसिल के, भले ही बशर्ते कि कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन ना हो। 7 दिन में ज़्यादातर पेशेंट ठीक होते हैं। तो इस तरह से हम टोनसिलाइटिस का इलाज कर सकते हैं एक्यूप्रेशर चिकित्सा में। इसमें सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।